वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मैन एंड मोटर्स। और आज हम टाटा की नई माइक्रो एसयूवी पंच के बारे में बात करने वाले हैं। ये गाड़ी कम्पीट करेगी मार्केट में मौजूद मारुति इग्निस, केयूवी 100 और हुंडई की अपकमिंग माइक्रो एसयूवी कैस्पर से। लेकिन आज हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये बताने वाले हैं कि क्या आपको टाटा की पंच लेनी चाहिए या नहीं, और इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। भाई बस एक चीज टाटा की अच्छी नहीं लगी, कितना मस्त नाम लेके चल रहे थे टाटा HBX, है कि नहीं? और HBX सही नाम था, और इस नाम से अच्छा खासा हाइप भी बन गया था ये लोगों का, बट ये लोगों ने पूरा प्रोटोटाइप ही चेंज कर दिया और साथ में नाम भी। खैर पंच भी अच्छा नाम है, बट HBX वाला फील नहीं आ रहा है। बट आफ्टर ऑल दे मेक सम प्रैक्टिकल कार्स, और भाई देखना ये गाड़ी भी 5 स्टार लेके आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली टाटा का लोहा लगा है, आर्क प्लेटफॉर्म में बना है, तो जैसा एल्ट्रोज है तो 5 स्टार लाना तो तय है। हाँ ये तो है, 5 स्टार तो लेके आएगी। बस इंजन स्पेसिफिकेशन देखना है, इंजन वगैरह जो है टर्बो दे रहा है या नहीं। टर्बो का ऑफर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पंच अभी लॉन्च होगी अपनी 1.2 लीटर की नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। अच्छा, और ये लोग इस बार नया प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बना रहे हैं, और ये लोग का प्लेटफॉर्म का नाम है अल्फा आर्क, जो कि माइक्रो एसयूवीज के लिए ये लोग निकाले हैं। तो पंच बन रही है, लेकिन पंच मुझे क्यों लगता है ऐसा कि उसके राइवल की अगर बात करें, जैसे महिंद्रा KUV 100 है, फिर इग्निस है मारुति की, है ना, इग्निस काफी सेल करती है, काफी सेल होती है, महिंद्रा की KUV भी 100 वो भी अच्छी गाड़ी है, तो इसमें इस टाइम पे देखना है कि ये क्या परफॉर्म कर पाती है टाटा। हाँ, मार्केट में सुजुकी को बीट कर पाती है कि नहीं। हाँ, सुजुकी को बीट कर पाती है कि नहीं। लुक वाइज देखे तो मुझे तो पंच पूरी नेक्सोन जैसी ही दिखती है। हाँ, एकदम छोटा हैरियर लगता है, छोटा हैरियर जैसे देखा जाए तो हैरियर ही टाइप की, थोड़ी सी प्रोजेक्टर LED वगैरह और DRL जो दिया है, और डाउन साइड जो उसका वो दिया है हेडलाइट, तो पूरी लगती है कि गाड़ी वो है छोटा हैरियर, छोटी हैरियर टाइप लगती है। तो वही लुक वाइज में तो कोई कंपैरिजन नहीं है उसका तो मारुति इग्निस वगैरह लोगों के साथ। लुक तो इसका चलेगा, लुक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि ये देखना है कि मार्केट में ये क्या परफॉर्म करती है। रेट मेन है, क्योंकि अगर रेट वगैरह, अगर जैसे इग्निस का एक शोरूम जो है वो अपना 3.5 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, है ना, 3.5 से स्टार्ट हो जाती है बेस मॉडल, और जाती है अपना लगभग 6.5-7 तक जाती है एक शोरूम। और ये गाड़ी तो अराउंड टाटा पंच की अगर बात करूं, 5.5 से होने वाली है। हाँ, 5.5-6 लाख में अपने को इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका मिलने वाला है। हाँ, 3.5, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इग्निस जो है ना अभी शायद उसका रेट अभी बढ़ा है, लगभग 5 के आसपास कुछ है इसका। इसके इंजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें अपने को सेम इंजन देखने को मिलता है जो टाटा की टियागो और टाटा की अल्ट्रोज में देखने को मिलता है। और खैर सेम है, हाँ इंजन सेम है। खैर टाटा इसको रिट्यून कर सकता है पंच के लिए थोड़ा मोड़ा, ताकि थोड़ा ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करे। टर्बो लेकिन देना चाहिए, टर्बो देना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। टर्बो बहुत इंजन से, टर्बो से इंजन में क्या है ना, पावर अच्छा जनरेट हो जाता है, और जो सांस निकलने वाला है ना वो टर्बो में, वो टर्बो में, हाँ वो टर्बो में ही है। हाँ, जैसे ब्रेजा अपन चला रहे हैं। हाँ, ब्रेजा में क्या है, 2500 RPM तक ना बैलगाड़ी जैसे चलती है। हाँ, गाड़ी में उतना पंच फील नहीं होता है, है ना, और सिंपल चलती है, लेकिन 2000 के बाद पार होती है ना। हाँ, तो एकदम से खींचती है। तो टर्बो में ये चीजें जो है ना, और वो थोड़ी सी ज्यादा देती है पिकअप। अच्छा, यूट्यूब में एक वीडियो देखे थे अपन, वो ब्रेजा वर्सेस मैग्नाइट, मैग्नाइट टर्बो। हाँ, तो वो तो भाई ये 1.5 लीटर इंजन होने के बाद भी वो 1 लीटर इसको पेल के चली गई। हाँ, है कि नहीं, सीधी सी बात है। ड्रैग रेस में भले लो मार्जिन से बीट की, हाँ हाँ, लेकिन टर्बो अलग पावर टर्बो देती है। हाँ, टर्बो क्या, टर्बो अगर है तो टॉर्क भी जाहिर सी ज्यादा रहेगा थोड़ा। हाँ, टॉर्क ज्यादा रहेगा तो उससे क्या है ना, जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत तेज रहेगा, इसीलिए वो ड्रैग रेस में देखना मैग्नाइट जो है वो पावर ड्रिफ्ट का ही ड्रैग रेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपन। हाँ, उसमें देखना 1 लीटर टर्बो मैग्नाइट, और ये अपना नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर। हाँ, लेकिन क्या
खींच के चलती है वो टर्बो ड्रैग रेस में, मतलब एकदम इजिली 3 राउंड में बीट कर देती है। तो टर्बो इंजन का तो एक बेनिफिट होता है। खैर हम लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो अभी निकाल रही है 1.2 लीटर का पंच में, आगे जाके वो सिमिलर जो अल्ट्रोज में टर्बो दिया गया है वही टर्बो पंच में भी दे दे। हाँ। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपन। खैर इसमें डीजल इंजन तो नहीं आने वाला है, पंच में आपको डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। डीजल तो अभी मुश्किल है, अभी तो ऐसा कोई न्यूज भी नहीं आ रहा है। नहीं डीजल नहीं दे सकता क्योंकि ना डायमेंशन गाड़ी का छोटा है। हाँ। तो छोटा गाड़ी डायमेंशन है, अब इसमें डीजल दे देंगे तो फिर गाड़ी हवा में उड़ने लगेगी। तो वही बात है कि गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से इंजन आपको वेगनोर जो है, वेगनोर जो है वो 1.2 लीटर वाली वेगनोर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है। हाँ। क्योंकि वो उसके बॉडी टाइप के हिसाब से बहुत ज्यादा ही उसमें पावर दे दिया है। ये है अब इसीलिए डीजल तो हाँ, जैसे फ्री स्टाइल जैसे हैं वो डीजल में जो है पूरी की पूरी तो रॉकेट बन जाती है। हाँ, ये फोर्ड की फ्री स्टाइल ना। हाँ फोर्ड की फ्री स्टाइल। हाँ। है खैर फोर्ड तो क्या कहें अब, वो अलग ही हो गया। खैर इसमें सेम अपने को अल्ट्रोज वाला पावर मिलने वाला है जो कि 86 पीएस का पावर जनरेट करता है 113 एनएम के टॉर्क के साथ। तो सेम अपने को अल्ट्रोज वाली इंजन मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और सिक्योरिटी की, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अपन पहले भरवा लेते हैं अपने ब्रेजा में तेल, क्योंकि ये आजकल तेल नहीं पी रही है, खून पी रही है। माइलेज आपको दिखा देंगे अपन कितना दे रही है, 11 का माइलेज दे रही है यार। तो इसको पिलाते हैं अपन खून। का कर लेते हैं। तो इसके फीचर्स की बात करूं मैं तो इसमें अपने को वही नॉर्मल सा जो हर टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलता है, IRA टेक्नोलॉजी के साथ 7 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले रहेगा। हाँ, और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलेगा। सेफ्टी भर के रहेगा, सेफ्टी से रिलेटेड फीचर्स से रिलेटेड टाटा नहीं चूकती है। हाँ ये तो है, इसमें भी वो दे रही है ABS विद EBD एज स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर में। और अपने को इस गाड़ी में डुअल एयरबैग देखने को मिल जाएंगे और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, डी कट मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। हाँ, जो कि आज का ट्रेंड है, मारुति भी देती है, स्विफ्ट वगैरह में आता है। हाँ, डी कट मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील काफी सही दिखता है, थोड़ा रेसिंग टाइप वाला फीलिंग देता है। तो अब भाई मेन बात कर लेते हैं प्राइसिंग और इसके लॉन्च के बारे में। तो इसका प्राइस अराउंड होने वाला है 6 लाख रुपीज। हाँ। जो कि इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा। आपके हिसाब से प्राइस क्या लगता है, सही है? प्राइस मुझे ज्यादा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ये अगर मैं 6 लाख रुपए अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो मैं, मेरे पास बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे मैं कॉम्पैक्ट SUV की तरह जा सकता हूँ, मतलब मैग्नाइट जो है वो 5.5 से स्टार्ट हो जाती है, है ना? और 5.5 से स्टार्ट होके वो जाती है 10 तक, लेकिन 5.5 में तो अपने को मिल जाता है ना। हाँ, 5.5 में मैग्नाइट मिल जाता है। हाँ, बेस मॉडल मिल जाता है। अगर उसके जो एक ऊपर वेरिएंट लें तो वो हम लोग को लगभग 7 मिल जाता है। हाँ। है ना। खैर अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि कहाँ मैग्नाइट और कहाँ टाटा, जहाँ टाटा आपको फुल सेफ्टी देती है। नहीं, मैग ठीक है, सेफ्टी दे रही है। नहीं, नहीं, एशियन एनकैप में भी ना, वही बता रहा हूँ, मैग्नाइट भी एशियन एनकैप में, एशियन कैप में वो अपना 4 स्टार लेके आई है। हाँ। ऐसा नहीं है, अब भले उसका उनका अलग क्राइटेरिया होगा गाड़ी ठोकने का। हाँ। क्योंकि पूरा उसी पे चल रही है आजकल, मतलब एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में मैग्नाइट ने 4 स्टार रेटिंग हासिल की है, जो कि काफी सही बात है भाई। 4 स्टार भी अच्छा खासा आपको मिलता है। इस प्राइसिंग के साथ में आपको क्या लग रहा है मारुति इग्निस क्या करे? इस प्राइस में मारुति इग्निस का जेटा मिल जाता है। हाँ। नेक्सा प्रोडक्ट है एक तो। हाँ। सर्विस भी मस्त मिलेगी और आपको जेटा मिल जाता है डुअल टोन में 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन। और मारुति की इंजन जो है वो बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही जबरदस्त इंजन है,
उसमें अपने को कुछ दो राय नहीं है, ठीक है। तो प्राइस के चलते ये गाड़ी जो है, जैसे नेक्सोन भी अगर मैं देखूं तो नेक्सोन अच्छी गाड़ी है, लेकिन वही है कि प्राइस जो है उसका, अपन ब्रेजा अपन नेक्सोन लेते हैं, लेकिन नेक्सोन अपने को कितना पड़ जा रही थी, अपन को नेक्सोन पड़ जा रही थी लगभग 980 के आसपास XM, है ना, और 1.2 लीटर 3 सिलेंडर थी। लेकिन ये अपने को ब्रेजा अपन लेने का रीजन था कि ये अपने को 830 में अपने को क्या दे दे रही थी, सब कुछ दे दे, XM में जो है लगभग सभी है, सभी कुछ दे रही थी। तो वो चीज है, बेस मॉडल देती है टाटा, लेकिन उसमें फिर वही बहुत ही कुछ भी फीचर्स नहीं देती है, और बाहर से लगवाना वो पता नहीं वो कब फेल हो जाए क्या, थोड़ा सा कंपनी फिटेड का बात ही अलग रहता है। तो बात कर लेते हैं इसके राइवल्स की। तो बेसिकली ये गाड़ी मेन राइवल होने वाली है मारुति की सिलेरियो और अपकमिंग जो टाटा की कैस्पर है। कैस्पर का कंफर्म नहीं हो पा रहा है वो लॉन्च हो भी रहा है कि नहीं, खैर चाइना में तो ये लॉन्च कर दिया है हुंडई वालों ने, इंडिया में कब लॉन्च होगा उसका अभी कंफर्म नहीं है। खैर पंच वर्सेस कैस्पर का अलोन वीडियो आने वाला है, वो आप बाद में देख सकते हैं चैनल पे। तो पंच की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं, तो ये समवेयर अराउंड फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो जाएगा, है कि नहीं, फेस्टिव में हो जाएगा। फेस्टिव सीजन में ये आपको दिवाली के समय में टाटा पंच आपको दे देगी, डिलीवर होना चालू हो जाएगी। हाँ दिवाली टाइम में हो जाएगा। हाँ टाटा बुकिंग भी स्टार्ट तो शायद हो गई है, 21,000 रूपए दे के आप बुक कर सकते हो अभी भी पंच को। हाँ 21,000 देके बुकिंग चल रहा है ना, चल रहा है। पंच का भी एक और कलर आ गया, एक नया कलर स्पॉटेड हुआ है। हाँ वो ब्राउन वाला, ब्राउन टाइप में हल्का सा डस्ट उसमें मिट्टी कलर में है। हाँ तो ये लोग 4-5 कलर अभी निकाले हैं, काफी अच्छा अच्छा कलर ये लोग दे रहे हैं। खैर टाटा अभी उसको ब्लैक कलर में नहीं निकालेगी क्योंकि उसका भी अलग से डार्क निकाल देंगे ये लोग, डार्क एडिशन। पानी भाई इधर गिर रहा है अचानक से, काफी तेज पानी नहीं था। अरे बाप रे पानी यहाँ, अरे साला इधर अलग गिर रहा है भाई पानी, यहाँ कार वार धोएंगे ठीक है, इधर ही गिर रहा है वो तेली। अच्छा एक बात और, ये जो टाटा पंच के सेगमेंट में जो बेस्ट राइवल मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे को लगता है KUV100, सच बता रहा हूँ, KUV100 का जो NXT वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। माइक्रो SUV में महिंद्रा की ये सबसे अंडररेटेड SUV है, मतलब क्यों नहीं चल पाई मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ये गाड़ी लुक भी ठीक है, इंजन भी सही है, महिंद्रा का इंजन मिल रहा है उसमें, और अच्छा खासा सेफ्टी रेटिंग भी हासिल किया है उसने, लेकिन फिर वो क्यों नहीं चल पाई उसका। एक तो इसका रीजन मुझे लगता है कि प्राइस तो अलग है, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियां जो है ना वो थोड़ी रफ एंड टफ टाइप की गाड़ी है। अरे बाप ये क्या हो रहा है, ये तो पत्थर गिर रहा है टाइप से लग रहा है, बाकी कहीं नहीं है बस यही है ना। अचानक से, अरे यार यहाँ के लोगों को तो बाद इश्यू हो रहा होगा, बहुत ही तेज। तो ये खत्म यार, ये अलग चल रहा है, ये सामने से चालू है। अरे ये इंस्टॉलमेंट में गिर रहा है मतलब पानी। लेना है अरे यहाँ कहाँ रुक रहा है भैया, रुक नहीं रहा हूँ। आवाज आ जा रहा होगा लेकिन नीचे खैर। अब पंच पे आते हैं,
पंच के लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं तो फिर से कहता हूं मैं, कुछ लोगों को ये गाड़ी का लुक अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को ये गाड़ी का लुक एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास हैरियर है उनको तो सच में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लुक अपने ऊपर मैटर करता है कि आपको गाड़ी कैसी लग रही है। हमको तो गाड़ी अच्छी लगी है। इसका जो डिजाइन में अपने को हेडलाइट का जो सेटअप मिलता है आगे, वो सिमिलर है अपना हैरियर और सफारी, उन दोनों में जो मिलता है सेम वही मिल रहा है, बस आपको साइज थोड़ा छोटा करके दिया जा रहा है। इस कार में आपको आईब्रो डीआरएल्स देखने को मिलेंगे विद द मेन ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, आईब्रो डीआरएल्स टाइगर में भी है, मैग्नाइट में भी है, मैग्नाइट में भी है। तो टाटा भी आपके लिए लेके आ रही है आईब्रो डीआरएल्स, और ये मिलेगी आपको विद द मेन हेडलाइट क्लस्टर प्लेस्ड बिलो, मतलब यानी नीचे आईब्रो के नीचे आपको मेन हेडलाइट मिलेगा, वेन्यू में जैसा रहता है। हाँ, ऊपर वाला तो लगता है वेन्यू ने स्टार्ट किया है। हाँ, पहले अपन वेन्यू में ही देखे थे सबसे, उसके बाद हैरियर वगैरह आते ही। लेकिन वेन्यू से पहले मैं इसको क्विड में देखा था। अरे क्विड में भी चल रही थी। ये रेनॉल्ट वाले कुछ ज्यादा आगे रहते हैं। हाँ। तो भाई इसके फ्रंट ग्रिल में आपको टाटा की सिग्नेचर जो मिलती है स्टाइल, जो कि ट्राई एरो एलिमेंट्स देती है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली नेक्सॉन की तरह, नेक्सॉन में भी है। हाँ, बस साइज थोड़े छोटे रहने वाले हैं। भाई कार में आपको मस्कुलर फेंडर्स मिलने वाले हैं, काफी बल्की दिखने वाला है ये, भले ही माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में है लेकिन फिर भी इसका रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि भाई टाटा की आप कोई भी गाड़ी देख लो, अगर आप वीडियो या पिक में देखोगे ना तो वो अलग दिखता है। जैसे टाटा की सफारी, टाटा का हैरियर, ये सब ना पिक में छोटा छोटा अलग दिखता है, थोड़ा पंची नहीं दिखता है इसमें। लेकिन साइड क्लैडिंग जो है बहुत ज्यादा ब्लैक कर दिया है इसका ना, थोड़ा एरिया बढ़ा दिया गया है, मोटा कर दिया गया, कर दिया है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि पिक में ही अलग दिखते हैं फोटोज में, और लेकिन भाई रोड प्रेजेंस जो है ना गाड़ियों का, टाटा की गाड़ियों का, काफी जबरदस्त रोड प्रेजेंस देते हैं ये लोग। तो ये भी आपको काफी तगड़ा दिखने वाला है रोड में, फुल आपको एसयूवी वाली अपील देने वाला है लुक में। तो इसके डोर हैंडल में दोस्तों सी पिलर में इसका डोर हैंडल मिल रहा है, जैसे स्विफ्ट में है, जैसे इग्निस में है, आजकल का ट्रेंड चला सी पिलर पे डोर हैंडल डाल रहे हैं, थोड़ा सा लुक इनहेंस हो जाता है उस पे। और टाटा की अगर बात करूं तो इससे पहले ये लोग अल्ट्रोज में डोर हैंडल डाल चुके हैं, और नेक्स्ट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। हाँ। व्हील्स की बात कर ले तो इसमें अपने को डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा बेस में, ये आपको 15 इंच का बेस में दे सकते हैं और अपर में आपको 16 इंच का दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी ऐसे ही ड्राइव थ्रू वीडियोस आते रहेंगी। तो अगली वीडियो में हम लोग टाटा पंच वर्सेस अपकमिंग हुंडई कैस्पर का वीडियो रिव्यू देने वाले हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको टाटा पंच कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।